आज मैं आपको हरी मटर के स्नैक्स बताऊंगी, हरी मटर और आटे से मिक्स। तो ये कटोरी में जो है मटर है, और ये बाइंड जितना इसमें बाइंड हो जाए उस, ये आटा है, हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, और नमक, जीरा, हींग, इन सबको हम मिक्सी में मोटा मोटा खुरदरा पीस लेंगे। जब वो आटा जो है वो ये पीस जाए मोटा मोटा, तो फिर थोड़ा उसमें आटा इतना डालेंगे कि वो बाइंड हो जाए। इस हिसाब से आटे को बाइंड करके रखेंगे। ये आटा हमारा रेडी हो गया डो। अब इसे हम ये यहाँ पे पानी खोल रहा है, और इसमें हम गोल गोल फ्लैट टिक्की के जैसा बना देंगे। थोड़ा इसमें ऑयल डालते जिससे ये चिपके ना। खौलते हुए जब पूरा पानी खौल जाए, फिर उसके बाद इसको हम टिक्की को डाल दें। बहुत ही आसान और रेसिपी है ये। ये पानी खोलने लगा है, अब इसमें खौलते पानी में इसको डाल देंगे, और इसके पकने का जब होगा, जब ये पूरा ऊपर टिक्की आके ऊपर तैरने लगे, फिर हम समझेंगे कि वो तैयार हो चुका है। अब इसे हम इसे ढक देंगे और कुछ देर पकने देंगे। हाँ, अब देखते हैं कि हम पक गया कि नहीं। अब ये तैरने लगा, इसके मतलब ये पक गया, और इसको चेक कर लेते हैं कि जब ये पूरा सही से निकल आए तो समझिए कि पक गया। अब इसे हम गैस बंद कर देते हैं। इसे हम इसमें से निकाल लेते हैं, और निकाल के बाहर ठंडा होने देते हैं। अब ये कुछ देर के लिए हम रख देते हैं, ठंडा हो गया फिर हम काटते हैं। अब ये ठंडा हो गया, अब इसे हम पतला पतला स्लाइस बना लेंगे। ये सारी स्लाइस कट चुकी हैं। अब ये कटे हुए लहसुन है, जीरा, थोड़ा सा मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया पाउडर है। अब इसे हम तड़के के लिए इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल डालेंगे। लगभग 1 बिग स्पून। अब इसमें ये हम गर्म हो जाए तो हम इसे डाल देते हैं।
गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसको फिर कटे हुए स्लाइस को इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर साल्ट भी डालेंगे, साल्ट तो अब हम स्वाद अनुसार इसमें साल्ट डाल देंगे। अब इसे क्रिस्पी होने तक हल्की आग से सुनहरे होने तक फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा आटा बुरक देते हैं, जिस ये टिप्स है जिससे कि थोड़ा सा और भी क्रिस्पी हो जाए। तैयार हो चुका है और इसे हम प्लेटिंग करके सर्व करें। ये टमाटर की चटनी के साथ सर्व करते हैं।